Hey, what's up, Legit Gang? और आज हम react करने वाले हैं रावल के track पर, जिसका नाम है 64 Raw. और हाँ guys, अगर आप हमारे channel पे नए हैं, तो please channel को subscribe करें, क्योंकि यहाँ पे हम community build कर रहे हैं, जो कि सिर्फ real hip hop को support करती है. Yes. और हम भाई मतलब 64 bars Red Bull वाले पे reaction बना रहे हैं. तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं गाने, तो please channel को subscribe करें, क्योंकि हम reaction बनाने पे लगे हुए हैं. Yes. एक कालो का reaction रह रहा है, वो हम बनाएंगे आराम से बनाएंगे. तो stay tuned उसके लिए भी. और रावल आया भाई, मतलब मजा तो आने वाला है भाई. यूनिक बंदा है, कुछ अलग, मतलब पंचलाइंस अलग रहती है थोड़ी ना, अपना स्टाइल है अलग से. तो लेट्स गो मैन, चेक करते हैं क्या रावल भाई कर रहे हैं इसमें. लेट्स गो मैन. करण कंचन ऑन द बीट, करण कंचन के संगीत पर. रावल ओके भाई, बहुत वो मिस्टीरियस सी वाइब्स दे दी. नहीं बीट थोड़ी डार्क कह सकते हो. Yo, mera style itna hybrid, vision is psychic. Their favorite rapper na like mere banne ka psychic. Mere samne banne tez to pade road rush ki psychic. I'm from West Delhi, love would give a fuck if you like this. Ye kya mast line hai, matlab bol raha hai. Hame samajh nahi aaya us time, abhi edit karte wakt samajh mein aa rahi hai ki wo bol raha hai ki agar tumhe samne tez banega to road rush wali sidekick padegi. To road rush game tha bike wala, jisme rage hote the bahut zyada. To koi paane se marta tha, koi kick marta tha, to usme bhi matlab ek kick wala character hota tha, wo laat marta tha sidekick se tak tak, uske baad girane. Agar aapko pata hai road rush game ke bare mein, to aapko ye bar pata chal jayegi. To let's go man. Psychic, their favorite rapper na like mere banne ka psychic. Mere samne banne tez to pade road rush ki psychic. I'm from West Delhi, loud, I could give a fuck if you like this. Ye industry ek kafi biki hui hai. Bol rahe ki tere best rapper mein dam nahi hai ki mera wo psychic ban jaye. Aur nalayak bata raha hai, मतलब फेवरेट रैपर है नालायक. हां कह रहा है कि मतलब मेरे दिमाग के साथ नहीं खेल सकता, वो साइकिक नहीं बन सकता. एक मेरा स्टाइल इतना हाइब्रिड, मेरा टैलेंट नहीं है. देयर फेवरेट रैपर ना लाइक मेरे बनने का साइकिक. मेरे सामने बने तेज तो पड़े रोड रश की साइकिक. आई एम फ्रॉम वेस्ट दिल्ली, लाउड, आई कुड गिव अ फक इफ यू लाइक दिस. ये इंडस्ट्री है काफी बिकी हुई, अब दिखता है साफ. इस पे लगी मोटी बोली, कल वो बिक रहा है आज. गधे रैपर बन रहे खुले सान, जब कर लिए शादी वही शादीशुदा अंकल कर रहे बंदी बाजी. कल्चर के लिए कम पर बच रही. एक मिनट, क्या हनी सिंह पाजी? पता नहीं भाई. नहीं 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 नहीं, हनी सिंह तो रैपर ही नहीं है. नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं. क्योंकि क्लेम्स वगैरह लग रहे थे ना, तब मैं कह रहा हूँ. क्योंकि मतलब मेरे दिमाग में तो न्यूज़ में वही आ रहा है कि मतलब भाई हनी सिंह पाजी. ठीक है भाई. You like this end of the year. और कोई तो बताना. दिखता है साफ, जिस पे लगी मोटी बोली, कल वो बिक रहा है आज. गधे रैपर बन रहे खुले सान, जब कर लिए शादी वही शादीशुदा अंकल कर रहे बंदी बाजी. कल्चर के लिए कम पर वल्चर, यहाँ पे भरे है ढेर. कुछ लेबल वाले रैपर लाखों लगा के भी होते हैं फेल. इतने भद्दे आर्टिस्ट नहीं सकता ये कान मेरे से. अगर सुन लूं तो फिर खफा मेरे कान मेरे से. कई सुनी माँ कसम नहीं. बार ब्रो बार, वो सी भाई. राहुल भाई लेट्स गो मैन. अगर खफा हो जाते हैं ऐसे बंदे का, सुनने के बाद क्या सुन लिया यार तूने, क्या सुनवा दिया उन लोगों को. मेरे कान मेरे से कईयों की आलम सुनी माँ कसम नहीं होता विश्वास. कैसे इतने सारे फैंस हैं नल्लो के पास. जानकार बोला पैकेज में बिकते हैं फॉलोअर्स और व्यूज. और भाई साहब किसकी एल्बम को बोला है माँ कसम? मैंने को तो थोड़ा स्टैन की तरफ हो जा रहा है. हो सकता है नल्लो के पास रोटी अनाज. आंखें रोती नहीं है ज्यादा अगर कटे ना प्याज. में लड़का बार्स ब्रो, बस ये देसी बार है तो बिल्कुल. ये आंखें नहीं रोती जब, मतलब प्याज कटेगा तो ही रोगी, उसके अलावा नहीं रोती. और ऊपर से भाई बोल रहे हिमेश रेशमिया के बेटे. तो भाई नाक से गाने वाला कौन है, कौन साउंड करता है नाक से? कमेंट सेक्शन में हमें बताना. बिल्कुल हमें पता है तो बोल नहीं सकते. लेट्स गो मैन. ले तू अपने पास, मैं धंधेबाज. इंटरेस्ट ऐसा कभी ना दुबई आज. हमें से शमिया की औलाद तू रख बे रोटी अनाज. आंखें रोती नहीं है ज्यादा अगर कटे ना प्याज. मैं लड़का खास समझ आ जाएगा वो कल या फिर आज. गिने चुने आस पास जिन्हें दिल से है प्यार. प्यार ऐसा टेक योर ब्रेथ अवे. ले लू मैं सांस, जो भी रोकना चाहता मुझे उसकी ले लू मैं सांस. समझ बात मेरे पे लगा इनके सारे साफ गलत किया. अंडर एस्टिमेट इनके कैलकुलेटर चढ़क किया. जिसने भी है डाउट
सूट उसे दिया मैंने सबक शट द फक अप मुझे पता कौन कितने पानी में तू है पीली बदक नाउ वॉश मी फिल द टब अप ये सच ये नहीं घमंड ये सच साथ में नमक लेबल्स मांगते दस तक इन्हें चाहिए मेरी चमक क्योंकि एड्रेस है फलक लौंडे फर्श पे कलपते परम पनपते बचपन सब बोलते रावल खाता चावल सबके पास थे राइम मेरे लिए अब गया पास अब बुलेट में पे राइम सबके लिए जागे पलट दिया है उस टाइम ये लोग थे रावल क्या तेरे पास है मेरे लिए चावल या तेरे पास है चावल तू खाता चावल तो अब पहले मेरे लिए राइम बना रहे थे अब मैं राइम्स उनके लिए बना रहा हूँ ओके ब्रो पहले मैं सुनता था वो सुनते हैं बचपन में स्कूल में सब बोलते रावल खाता चावल सबके पास थे राइम मेरे लिए अब गया पास अब बुलेट में पे राइम सबके लिए जाके एल्बम मेरी सुन मेरे पे वाइब सबके लिए मैं सब पूरे देश में छाती ठोके बोलू तेरे फेस पे चली तो सेक ले अब ये ठापा मारे स्टाइल मेरा लिरिक्स मेरे चेप थे जो साफ आस पास तो फिर खड़े यहाँ पे नेवले घुमा घुमा के पेलू इन्हें जैसे मेरे ब्लेड इन्हें चाहिए नए जूते मुझे जैसे मेरे पास पेवलेट और वो वाइब्स भी देखे जा रहे जो है रावल का स्टाइल लेट्स गो मैन पास पास तो फिर खड़े यहाँ पे नेवले घुमा घुमा के पेलू इन्हें जैसे मैं पेवलेट इन्हें चाहिए नए जूते मुझे चाहिए फेफड़े नहीं खाता मैं उसके साथ जो नादे मूल्य मेज पे हजार मेरे भेस करता चुन के जो पेश में ग्लोबल चलता अपने नक्शे कदमों पे कला रखता ऊपर उसके साथ निकलता समझौते हर एक गाना अलग देखती पूरी दुनिया दंगों के साइन ये खून जो की भरता पन्नों में लौंडे बनना चाहते एज ही पर मैं बैठा एज पे संगीत तो फिर दे दो इन्हें स्पीयर नीचे एज से मैंने चीजें देखी बचपन में जो इन्हें नहीं देखी बुढ़ापे में अब कोई नहीं चोर सर्कल में नहीं पड़ता मैं चुद्यापे में मुझे पता कौन कितना पानी में अर्जुन का ये तीर बेटा लगता सब निशाने पे चील की भी आग छेद देता ये आसानी से पसीने खून और आंसुओं से होता शक्तिशाली में मुझे सब बना दो फिर जमाना साला जाली है सामने मिलके ताली फिर क्यों पीछे मैं बोलने के चक्कर में छूट गया लगता है स्लो करा भाई मतलब रेफरेंसेस भाई बहुत अच्छी तरीके से शक्तिशाली में मुझ जैसा बना दो फिर कुर्बानी दे गिने चुने यार जमाना साला जाली है सामने मिलके ताली फिर क्यों पीठ पीछे गाली दे ऐसे लोग से दूर हूँ मैं लगते है जनानी से गाने करते हिट क्योंकि दर्द मेरी वाणी में जो बने बदतमीज तो फिर याद दिला दू नानी में साउंड मेरा ग्लोबल हूँ मैं राजधानी से माइनस को कैसे करते प्लस मेरी कहानी है सबसे बेस्ट भाई एंडिंग तो मेरे को बहुत ही मजली मैं इसको कैसे करते प्लस ये मेरी कहानी है ब्रो कुछ नहीं था और अब देख ऐड ही होता ओह माय गॉड ब्रो बहुत सही नीचे दिखा रहे थे अब ऊपर जा ओह माय गॉड भाई मतलब रावल भाई मतलब क्या बोले भाई मतलब बहुत मस्त है यार हाँ। बहुत मस्त है मतलब वाइब्स देखे क्या वो जो रावल की रावल है वाइब्स है वो तो है ही बार्स हैं रेफरेंसेस और थोड़े शॉर्ट्स वॉर्ट भी दे रखे हैं हमें तो लग रहा है अब है या नहीं है तो रावल को भी पता होगा पर हमें लग रहे हैं कुछ तो मतलब उंगली तो दी गई है ब्रो मतलब चिल करी है कि अच्छा बेटे तुम बेस्ट नहीं हो खाली में हो तुम ऊपर ऐसे वाला सीन है तो लेट्स गो मैन मतलब फ्लो स्विच करें राइम स्कीम बहुत टाइट रखी है बीच बीच में कहीं कहीं मतलब पंच लाइन बहुत सही लगी है लेट्स गो मैन लेट्स गो और अगर आपने अभी तक सब चाहिए नहीं सुनी रावल की और भारत की तो भाई जाके सुनिए भाई जैसे उसने बोला ना कि हर गाने डिफरेंट हैं तो वो सही में डिफरेंट है और हर एक वाइब देता है अलग और बेकार गाना तो है ही नहीं भाई पूरी एल्बम में टॉप टू बॉटम सारे गाने आपको किसी ना किसी वे में अच्छे लगेंगे yes. और क्या यार सही मतलब बहुत ही खतरनाक है दोनों आर्टिस्ट दोनों का ग्रुप तो डुओ बहुत अच्छा है सच्ची में और वापस भाई करण कंचन ने बहुत सपोर्ट करा है बीट के साथ तो लेट्स गो मैन वाइब दी है पूरी लेट्स गो मैन लेट्स मजा आ गया बाकी आपको कैसा लगा हमारा रिएक्शन वो बताएं चैनल को सब्सक्राइब करें मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट मिलना मैं पाऊं उसको